पल्लव सरकार दाका, जिनके बारे में हम बताए आपसे, दादा की शिक्षा देवघर स्कूल कॉलेज से ही संपन्न हुई थी और बाद में ये कॉमर्स और लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट किए, विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दी और तत्पश्चात अभी डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट पर कोलकाता में पदस्थापित हैं और दादा एक अच्छे मुखर वक्ता हैं जिनको सुनने के लिए हम लोग बहुत समय से, कल ही से बेताब हैं। कल ही जब इनका नाम आया तो सब लोग सुन करके बड़ा आनंदित हुए कि दादा को कल जाजन सुनने को मिलेगा हम लोगों को। और दादा से मैं निवेदन करूंगा कि अपने भावपूर्ण वाणी से, ओजपूर्ण वाणी से हम लोगों को उद्बुद्ध करें और ठाकुर के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। पल्लव सरकार दा। साउथ वेस्ट बिहार के बातकलिन निष्ठ आराधना में मेरे प्रिय जो रांची में शैलेंद्र सिंह दा, ये और एक शैलेंद्र है, शैलेंद्र पांडे दा नहीं है। शैलेंद्र सिंह से दादा से जब मेरा बातें हुई और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के साथ दयाल की बातें साझा करने का, मैं मोहित हो गया हूँ। मैं भी काफी उतावले हूँ और मेरे एक भाई है धनबाद से, सत्व की नियोगी, उसको मैं बोला था कि आप भी रहना, वो उद्बुद्ध करता है, वो भी आया हुआ है सुबह सुबह। तो भजन की श्रृंखला में मैं मोहित हो गया हूँ दादा और माँ की भजन से। मेरा छोटा सा एक विनती है जो मैं बंगाल में काफी जगह कर चुका हूँ कि हम लोग जो हमारे जो दयाल है, दयाल को हम अनुकूल बोल के नहीं पकड़ते हैं, श्री अनुकूल या श्री श्री अनुकूल हम पुकारते हैं। तो संगीत के माध्यम से भी हम अनुकूल नहीं पुकारेंगे, श्री ऐड करेंगे हर गाना में, उसी सुर में हो जाएगा। हाय मेरे अनुकूल, हाय मेरे श्री अनुकूल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लफ्ज तर्ज ठीक रहेगा और सुनने को अच्छा मिलेगा। मंगल में काफी कीर्तन को मैंने सही किया, वो लोग कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मौका मिला, जो गवैये हैं ये लोग यहाँ पर हैं। ये मेरा विनती है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे शैलेंद्र पांडेदा का बीच में एक नाम का प्रसंग आया, लेकिन मैं जब बचपन में था, दीक्षा जब हुआ, पिताजी माताजी बोलते थे कोई तकलीफ होगा तो ठाकुर का नाम करना, सब ठीक हो जाएगा। मेरा नाम प्राप्त पहले हुआ, दीक्षा बाद में हुआ। मैं अपनी क्यूरियोसिटी से पूछा, हाँ, एक दिन पिताजी ने पूछे नाम करते हो, बोला हाँ करता हूँ, कैसे करते हो बताओ। मैंने कहा आपने बोला ना ठाकुर जी का नाम करने का, करता हूँ, श्री अनुकूल श्री अनुकूल श्री अनुकूल। अरे अरे अरे, वो नाम नहीं है, वो दीक्षा के प्राप्त समय मुझे नाम प्राप्त हुआ था 4 अक्षर का, वही नाम है। मैं बोला ये क्या है, रामचंद्र जी का नाम राम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण है, तो हमारे ठाकुर जी का नाम तो श्री अनुकूल होना चाहिए। और हर किताबों में देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ, तो वही नाम है, तो ये नाम क्या है। यहीं से शुरू होता है मेरा छानबीन का। बचपन में तो छानबीन कर नहीं पाया, कोरोना काल में लॉकडाउन में मैं थोड़ा देखा कि बारीकी में ये क्या है, बहुतों को पूछा, बोले उतना जानने की जरूरत नहीं है, वो है बीज मंत्र, वो है नीज मंत्र। मतलब बीज मंत्र नीज मंत्र, मतलब नीज मंत्र में श्री श्री माता जी ने श्री श्री ठाकुर जी को वो नाम दिया था, और ये नाम का वो मालिक है। ये साधन मंत्र है, वो पुकारने का मंत्र है। मैं तो गड़बड़ हो गया,
क्या व्याकुलता से, आत्मा की पुकार से, भाव से, भक्ति से, श्री अनुकूल, श्री अनुकूल, दयाल से श्री अनुकूल पुकारने से वो सारा नहीं देंगे? मेरा मनोकामना पूरा नहीं होगा? अगर नाम नामी अभेद है तो दोनों में तो कोई फर्क होना नहीं चाहिए, तो ये क्यों? आइए आज 15-20 मिनट में इस गुरु तत्व का खुलासा करें और देखते हैं ये नाम और नामी कैसे हमारे साधन जीवन में, मानस पटल में और भक्ति के सागर में मार्ज हुआ है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, चलिए आज हम लोग तो लौट के आते हैं, जो जहां पर है वहीं से ही एक सफर शुरू करते हैं। आज से 150 साल पुराना एक गांव में जाते हैं, गांव का नाम है हिम्मतपुर। आप लोगों ने सोचे होंगे हिम्मतपुर तो सुना नहीं, हमने हिमायतपुर सुना। यस, जिस धरती का इतना हिम्मत है, जिस जगह का पावन भूमि का इतना हिम्मत है, इतना ताकत है, उसने अपने जगह पे परमेश्वर, परम दयाल, परम पिता को खींच के लाए। वो जगह और कुछ नहीं हो सकता, वो हिम्मतपुरी है जिसका उसका आदि नाम है, और मैं हमेशा उस पुण्य भूमि को हिम्मतपुर बोलता हूं। लेकिन हिम्मत को बरकरार के रखना है, अपने चलन से, अपने चरित्र से, वही गांव, वही हिम्मतपुर अपना हिम्मत खो बैठा, खो दिया दयाल को, दयाल हमारे बिहार के हो गए। मैं गर्व के साथ बोलता हूं, मेरा परवरिश, मेरा पढ़ा लिखा, मेरा शादी ब्याह, मेरा देवघर में छोटा सा मकान, सब कुछ ये जिक्र करता है कि मैं बिहारी हूं। और मैं गर्व के, मैं झारखंड मानता नहीं हूं देवघर को, आप लोग मानिए, चाहे 5 टुकड़ा हो जाए, देवघर बिहार में, क्योंकि जिस स्थिति में परम दयाल आए थे वो बिहार के। मैं हमेशा बोलता हूं मैं बिहारी हूं और मेरे परम दयाल बिहार के, और बिहार के हो लिए, बिहार में ही रह लिए। तो उस गांव में कुछ नहीं था, रहा था 150 साल पहले, ना रोशनी था, ना ज्ञान था, ना विज्ञान था, सब अज्ञान था। छोटे से गांव में 5-7 परिवार हुआ करते थे, अधिकांश ब्राह्मण परिवार के थे। इसमें दो परिवार ऐसा थे, एक बागची परिवार, एक चौधरी परिवार। चौधरी परिवार का जो मालकिन है सबसे बुजुर्ग है, और बागची परिवार के सबसे बुजुर्ग लेडी है, दोनों में सहेली, बचपन की दोस्त है दोनों, आपस में आना जाना, घुल मिल खूब है। बागची परिवार के जो मुखिया थी वो परम श्रद्धा माता कृपा सुंदरी थी, और चौधरी परिवार में जो चौधराइन थी उनका बड़ा बेटा का नाम था रमेंद्र नारायण चौधरी साहब। हमारे शिक्षा के माध्यम से काफी दूर आगे हुए थे, ढाका में, पावना में पढ़े थे, कलेक्टर के दफ्तर में साहब कलेक्टर थे, बाद में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें साहब इंस्पेक्टर पुलिस का पदासीन किए थे, और शादी ब्याह हो गया था, घर संसार था, लेकिन 20 साल हो गया शादी का, कोई औलाद नहीं। जब कोई विवाहित व्यक्ति का औलाद नहीं होता है तो काहे कुछ भी हो उसका फौलाद नहीं होता है, वंश को आगे बढ़ाने का जो सुनहरा अवसर है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें अगर कोई फेल होता है, चाहे खुद का दोष से या कोई सरकमस्टांसेस से, वो और भी कुछ हो, लेकिन मन मन में मायूस है। रविंद्रनाथ मायूस था,
पत्नी जीवित थी। कृपा सुंदरी का बड़ी बेटी खमा, खमा सुंदरी जब 12 साल की हो गई, शादी का चर्चा चल रहा था, एक दिन चौधरानी बोले, कृपा बिटिया को कहाँ देगी बाहर शादी रे, इतना लाडली बिटिया है, हमारे घर में आती जाती है, बहुत अच्छा लगता है उसे, तू उसे गांव में कहीं शादी करा दे, हम देखते रहेंगे, आंखों की पटल में वो रहेगी, तुझे भी अच्छा लगेगा मुझे भी अच्छा लगेगा। अरे सहेली, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं, लेकिन गांव में ऐसा कोई लड़का नहीं मिल रहा है, इसके यज्ञ बल नहीं मिल रहा है, तभी तो मैं बाहर बाहर ढूंढ रहा हूं। क्यों क्यों कृपा, रमन यज्ञ नहीं है, खाली शादीशुदा इसीलिए अयज्ञ हो गया, चल उसी के साथ शादी करा देते हैं, देखना हमारे आंखों के सामने रहेगी, रमन की व्यक्तित्व से, रमन की माथुरता से राजी हो गई। 12 साल की खमा ने रमन के हाथ पकड़ी, पहुंची चौधरी परिवार, जिस परिवार में 20 साल तक सूखा था, एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ था, क्षमा सुंदरी देवी आते ही बार बह गया बार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 6 पुत्र हुआ उस परिवार में, और 6 पुत्र का जनक था वही रमन चौधरी, जिन्होंने 20 साल तक नाकामयाब रहे। इतिहास तो है और कुछ नहीं है, ये तो पृष्ठभूमि बन रहा है, दयाल आने का, नाम आने का, नाम ही आने का, लेकिन विधि का विधान कौन खंडाएगा? पहला आया हफ्ते भर में गया, दूसरे आया 1.5 महीने रह गया, तीसरा आया 6 महीने रह गया, 1, 2, 3 सारे संतान आते गए और जाते गए। गांव वालों ने इसको नोटिस किया, मीटिंग बुलाया, गांव देवी के पास पहुंचा सब मिल के, ये तुम्हारा क्या नौटंकी है माँ, जिस घर में कोई नहीं आया था अब तुम उस घर में भेज रहे हो और ले रहे हो, खबरदार, आइंदा अगर किसी को भेजना है तो उसको लेना नहीं, लेने के लिए भेजना नहीं, भेजने के लिए लेना नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं होगा यहाँ, भक्त के चेतावनी से, भक्त के आंख देख के भगवान भी डरता है, अरे 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 गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया, अब भक्त अगर सबमिसिव नहीं रहेगा, भक्त अगर मेरे अनुगत नहीं रहेगा, मेरा तो आसन ही टल हो जाएगा। दुनिया में भक्त बहुत मिलता है, भगवान बहुत मिलता है, लेकिन भक्त मिलना बहुत कठिन है, युग युग में कितने भगवान आए, कहाँ मिलता है कृष्ण अर्जुन जैसे भक्त, कहाँ मिलता है विवेकानंद जैसे भक्त, कहाँ मिलता है परम पुरुष बजरंगी जैसा भक्त, परम कहाँ मिलता है परम पूज्यवासी सिद्धार्थ जैसा भक्त, बहुत मुश्किल है, भक्त के माध्यम से ही भगवान का प्रचार प्रसार प्रकाश होता है। तो गांव देवी डर गई, चौथा संतान आया, चारों ओर खिल पड़ा, एक नन्ही सी गुड़िया आई, उसके पिताजी ने रामेंद्र ने उसको देख के बोला, अरे 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 तू तो मेरा मन मोह लिया, लड़ली ने मैंने से सब कुछ बोला दिया, तू मेरा मन मोह लिया, तेरा नाम मैं रखता हूं मनमोहिनी, मनमोहिनी आई, उसके बाद और दो औलाद आए, कोई नहीं गया, सब रहा, ये मनमोहिनी यूनिक बच्ची थी, खेल कूद में ध्यान नहीं, सहेली में कोई ज्ञान नहीं, छोटी उम्र में हमेशा पूजा पाठ में रहती थी, पद्दा किनारे से मिट्टी लाती थी और देव देवता के पुतुल बनाती थी और पूजा करती थी, ये देख के उसका दादी माँ ने बोली, ये मनो मेरा तो उम्र हो गया, आना मेरे घर में राधा मोहन देव है, उसका पूजा पाठ में हाथ लगा ना, मेरे साथ रह ले, जब मर्जी है तू चले जाना,
चार पांच घर के बाद ही तो आए, तो पिताजी माताजी है। हाँ हाँ ठीक है दादी मैं आ जाती हूँ। माता मनोमयी देवी का डायरेक्ट प्रभु सेवा चालू हुआ। फूल चुनना, माला गुथना, फल फ्रूट काटना, प्रभु का बर्तन धोना, प्रभु का घर साफ करना, करते 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 वो 8 साल की हो गई। दादी जैसी बोलती गई, माता ऐसे करती गई। 8 साल में माता ने बागावत बोल दिया। क्या बागावत? दादी दादी क्या रे, आप तुम्हारा उम्र हो गया, मुझे पूजा करने के लिए दो। मैं हेल्पिंग का काम जो कर रही हूं, उसके बाद मुझे पूजा दो। खबरदार मनो, ऐसा कभी सोचना नहीं। हमारे वंश में जिसका दीक्षा नहीं हुआ है वो कभी भी योग्य नहीं होता है। तेरा दीक्षा हो जाने दे, तू पूजा कर लेगा, चाहे यहां कर, चाहे तेरे घर में कर, चाहे ससुराल में कर, लेकिन दीक्षा मास्ट है। बिना दीक्षा विग्रह का पूजा नहीं होता है। आजकल के बच्ची पापा के पास दौड़ते जाते, पापा पापा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उस जमाने में मनमोहिनी का पापा रामेंद्रनाथ चौधरी ऐसा ही था, दौड़ता हो गया, पापा मुझे दीक्षा दे दो, दीक्षा चाहिए। बोले क्या बिटिया, क्या मांग मांग कर रही है, क्यों चाहिए तुझे दीक्षा, 8 साल हो गया अभी उम्र नहीं हुआ। बोला मैं पूजा करना चाहता हूँ, दादी को बोल दो मुझे पूजा करने दे, अगर वो मुझे पूजा करने दे तो मुझे दीक्षा की जरूरत नहीं है। ना 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 ना, वो बहुत कड़क लेडी है, मैं वो सास है मेरी, मैं नहीं बोल सकता बाबा, मैं तेरा दीक्षा का इंतजाम करता हूँ। गाँव में जो कुल पुरोहित था उनको बुलाया गया, अगला दिन माता का दीक्षा हो जाता है। वो कुलपुरोहित शिव मंत्र में दीक्षा देता था, शाक्त मंत्र में दीक्षा देता था, शिवलिंग का पूजन कैसे होता था सिखा दिया, शिव स्तोत्र पाठ सिखा दिया, और चल बसा चला गया गांव में। माता ने प्रैक्टिस किया, 3 4 दिन के बाद सब कुछ हो जाने के बाद राती आ गई, लो मैं आ गई, दीक्षा लेके आ गई। हाँ मैंने सुना है दीक्षा तैयार हो गया है, बता क्या मंत्र मिला। शिव मंत्र बताते गई माता मनमोहिनी, कृपा मोहि मानुष होके बोली, मेरे बच्ची शिव मंत्र से राधा मोहन की पूजा नहीं होता है, राधा मंत्र चाहिए। ये दीक्षा ये मंत्र तेरे बाकी काम के लिए आएगा, लेकिन राधा मोहन की विग्रह पूजा करने के लिए नहीं आएगा। तो फिर से माला गुथ, फल फ्रूट काट, बर्तन धो, प्रभु का ही सेवा कर, दीक्षा का लालसा मत कर। रोती रोती दौड़ते हुए गई, पापा पापा मुझे ये दीक्षा नहीं चाहिए, आप ये वापिस ले लो। 8 साल की बच्ची का पुकार देखी, मुझे राधा मंत्र चाहिए, दादी ने बोला। मोनो क्या कर रही है, मंत्र कोई खिलौना है? एक को छोड़ के एक को छोड़ के छोड़, वो विज्ञ व्यक्ति थे, टालने तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो एक बुद्धि सुझाई, बोला जिनका पूजा करेगा उनसे मांग लेना, जी आप बता दीजिए मेरा मंत्र क्या है। टालने का जो तरीका था उसको मोनो ने समझा नहीं, वही तरीका समझ लिया। वहां हाँ हाँ बात तो सही है, पहुंच गई। रोज रात को अकेला जाग के रोते 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 रोते, रोते करुण आवेग से, प्रभु आपका नाम दीजिए मुझे, आपका पूजा करने का अधिकार दीजिए मुझे, आपका सब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कौन सुनेगा? 1 महीना गया, 1.5 महीने गया, एक दिन डिप्रेस्ड होके पहुंच गई, पापा तुमने जो तरीका बताया था वो काम में नहीं आया, कोई मंत्र किसी ने नहीं बताया। बोला बेटी सोए हुए व्यक्ति के पास अगर कुछ मांगेगी वो कुछ देगा, वो कुछ बोलेगा? जब कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं बोलेगा, मंत्र कैसे देगा? और तू रात को मांगती है जब प्रभु सोए हुए होते हैं। माता ने कुछ नहीं बोली, चुपचाप पापा की बात सुन गई, और उसी रात को करुण आवेग से एक चमत्कार कर दिया। प्रभु उठो उठो, नींद से उठो, बैठो,
आप, मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे हो, मंत्र दीजिए मुझे आज, आज आपको सोने नहीं देंगे। वही नाम निज नाम है, मन अपने घर ले, मनो कौन है, मन नहीं, मैं तो उसको मनोमोहिनी समझता हूं। वही नाम निज नाम है, मनो मनोमोहिनी अपने धर ले। रोते 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 8 साल की बच्ची सो गई। भोर रात में सोते हुए अवस्था में हम जो बीज मंत्र की बात करते हैं, जो साधना करते हैं, वो नाम आया, हुजूर महाराज जी आए और चल गए। माता उत्फुल्लित हो गया, भोर का रोशनी निकालते ही दौड़ते हुए पापा के पास गए, पापा पापा आज मुझे नाम मिल गया, मैं आज ही से पूजा करूंगी, राधा मंत्र मुझे प्राप्त हो गया पापा। पापा ने बोला स्वप्न में मंत्र प्राप्त हुआ तो शुद्धिकरण कर लेते हैं। वही पंडित को फिर बुलाया, पंडित आके गड़बड़ कर दिया, बोला ये क्या नाम मिला मुझे मनो तुझे, ऐसा तो नाम कहीं नहीं सुना हमने, शास्त्र में भी नहीं है, राधा गोविंद है, राधा कृष्ण है, राधा वल्लभ है। अच्छा तूने जो नाम सुना ना नींद में सुना है, उसका असली नाम है राधा श्याम, राधा श्याम शास्त्र में है, तू इसी नाम को जप कर, इसी नाम से पूजा कर। बच्ची थी, बुजुर्ग ने, पापा ने भी साय हा भर दिया, सबने बोला राधा श्याम ही तुझे प्राप्त हुआ है। वो राधा श्याम लेके दौड़ता हुआ दादी के पास गया, दादी मुझे प्राप्त हो गया। हाँ मुझे मालूम है तू बात चल रहा है कि तू सपना में मंत्र प्राप्त हो, ले पूजा कर। माता ने एक नया जीवन शुरू किया, राधा श्याम राधा श्याम राधा श्याम, रोज रटते रटते पूजा करती रही, पूजा करती रही। लेकिन 1-1.5 महीने के बाद भाव नहीं आया। शैलेंदा को अगर मैं जोगेंदा पुकारता हूँ, जोगेंदा को अगर मैं मोहनदा पुकारता हूँ, जैसे हालत है उसी तरह दौड़ता पापा के लिए, पापा हमने जो मंत्र प्राप्त हुआ था तुम लोगों ने दबा दिया, अब तो मुझे क्लैरिटी चाहिए कौन सा असली है। हाँ मैं मानता हूं मैं सो गई थी, तो बोला ठीक है अभी जग के मांग ले, क्लैरिफाई कर ले, उन्हीं से कर ले। हाँ मनो आप दिन में करना, रात में मत करना, तुम जो जो कुछ करना तेरा क्लैरिफिकेशन दिन में मांग लेना। हाँ पापा हाँ पापा, दिन में भाव विवल होके, आंख में आंसू लिए हुए, मन में व्याकुलता लिए हुए, फिर माता की और एक इम्तिहान, प्रभु बता दीजिए आपका क्या नाम है। बोलते 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 दिन में फिल्म का जैसा आता है नाम, ऐसा नाम सामने आया, वही पुरुष आए हुजूर महाराज आके पहली बार। गुरु पुकारते मनो ये तेरा नाम है, और इस नाम में ना मुझे भजन करना, मुझे ध्यान करना, करके अंतरित हो जाते हैं। लौट के और मुड़ना नहीं है माता का, माता का नाम प्राप्त हुआ, माता का किस नाम से ध्यान करना पड़ेगा वो भी ज्ञात हो गया, और नाम में विभोर हो गई। अगले साल 9 साल की उम्र में उनका शादी हो गया शिवचंद्र जी के साथ, 22 साल का लड़का, 9 साल का माता मोहन। दोनों परिवार बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि संतान से घर भर जाएंगे, माता का कतई इच्छा नहीं था, संसार में आए। अपना जो ड्यूटी था, दायित्व था, वो पालन करते थे, लेकिन इस को अवॉइड करते थे, क्योंकि उनका प्रभु प्रेम बढ़ जाएगा, ध्यान अटेंशन बटा हुआ नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए नहीं चाहते थे। वो तो पुरुषोत्तम जननी बनने वाले हैं, नाम में विभोर थी वो। सन शिवचंद्र जी भी कुछ नहीं बोले, 9 साल तक कोई औलाद नहीं,
सन 1885, 86, 87, ये 3 साल में हर साल माता हिमायतपुर से आगरा दयालबाग जाती थी। हुजूर महाराज जी हमेशा बोलते, माता मोनो तू तो जननी है रे, तेरा पहचान तो दूसरा है, माँ बनना। पहला बार टाल दिया, दूसरे बार टाल दिया, तीसरे बार ने प्रभु ने थोड़ा, हुजूर महाराज जी थोड़ा गंभीर होके बोले, अगले बार जब आएगी खुशखबरी लेके आना। आप माता समझ गया कि आप दीवार में पीट आ गया, अब अल्टीमेटम दे दिया गुरु जी ने कि अभी तुमको मातृ माता बनना ही है। जब यह है, स्ट्रॉन्ग लेडी ने घुटने टेक के प्रभु के सामने बोले, प्रभु मैं माता बनने के लिए तैयार हूं, बशर्त आप मेरे घर में आओगे, आप मेरे कोख में आओगी, आप जैसे कोई कोख में आएगा मेरा, तभी मैं माँ बनूंगी। क्या बात करती है मोनो, तुझे मालूम है दिन दुनिया का मालिक परमपिता परमेश्वर वेटिंग लिस्ट में है, बैठे हुए हैं। तुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम है, उन्हें लाने का दायित्व तो मुझे है। जा जा घर जा, ला उन्हें, ला ला बेटी ला, बन बन के देखा। आदेश प्राप्त होके अगले साल दयाल को लाए, हमारे परम दयाल विश्व पिता जगत पिता परित्राता प्रभु को लाए। उम्र होते होते उनका दीक्षा भी प्राप्त हुआ, दीक्षा प्राप्त होती माता को पलट के बोले वो बालक, माँ ये नाम तो मैं जानता हूं, तेरे कोख से मैं इसको जपन करता हूं। हाँ बेटा ये ध्यान कर, और हुजूर महाराज जी तेरे गुरु है, इसको ध्यान कर। 1888 से 1915 ये दीर्घ 27 साल, 17 साल लिख चुके थे 1910 में, हर सत्संगी हर सतनामी बीज मंत्र के साथ साथ हुजूर महाराज जी को ध्यान करते थे। पहले का दीक्षा पद्धति ऐसा ही था, किसी को मालूम नहीं था उस नाम का नामी कौन है, क्योंकि नामी जो है वो अनामी होके खुद को छुपा के बैठे हुए हैं, कभी नहीं बोले, केवल पुराने किताबों से मिलता है, पुण्य पुत्र में एक बार छुप के बोले मैं ही नाम हूं। वो नाम में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ऐसी हालत में, ऐसे गोपन टाइम में बोले, ऐसे लैंग्वेज में बोले, सुनने वालों को समझ में ना आए। आप लोग पुण्यपुत्री का 3रा दिवस में देख लीजिएगा, इंग्लिश में बोल के गए एक पैराग्राफ, आई एम द यूनिवर्स, आई एम द लव, आई एम द नेम, देयर इज नो डिफरेंस, यू लव मी, यू लव नेम, यू लव यूनिवर्स, स्प्रेड द नेम। एक बार भी नहीं बोले कि मुझे ध्यान करो। आगे चलते 34वां दिवस में डॉक्टर सतीश चंद्र जुवारदार का जिक्र पहले हमारे शैलेंद्र ने किए थे, उनको बोलते हैं डॉक्टर नाम तो प्राप्त हुए हो, ध्यान करो 40 मिनट 45 मिनट ध्यान करना, ऐसे करना, ये भाव समाधि की बात है, अब पुण्य पुत्र में मिलेगा आपको, कि बॉडी को स्ट्रेट कर रखना, ढीला होना नहीं, किसी को आने नहीं देना, शांत रहना। लेकिन एक बार भी नहीं बोला मुझ में ध्यान करो, कंसंट्रेट ऑन द आइडियल, नहीं नहीं बोले। 2015 की अक्टूबर महीना में आश्रम के जो गुने चिन्हे भक्त थे एक दिन ठाकुर जी के पास पहुंचे, बोले ठाकुर जी दीक्षा हम लोगों को प्राप्त हुआ है, हम लोग ध्यान भी करते हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा हूं। ओ ये बात, परमदयाल का उम्र भी काफी हो चुका था, मतलब अभी वो बच्चा नहीं रहे, वो अपना अलमीरा से निकाल के दिए, राम श्री रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण जी का, राम कृष्ण देव का, बुद्ध जी का, जितना जितना हिंदुओं का देव देवी पुरुषोत्तम, सबको दिया, देके बोले आप लोगों को जिनको अच्छा लगे, जिनको पसंद हो, जिनको ध्यान
अच्छा हो, उनसे आप ध्यान करो, मेरा ध्यान करने की जरूरत नहीं है। सतीश चंद्र ज्वारदार की पहला जीवनी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की 235 पन्ना में ये रहस्य छिपा हुआ है। तब उस भक्त ने बोले, ठाकुर क्या गुरु का हर बात मानना जरूरी है? दयाल बोला, हाँ हर बात मानना जरूरी है, लेकिन पुराने महापुरुष योगी राज उन्होंने अपने शिष्य को बोले थे कि मेरा मूर्ति का ध्यान नहीं करना, तुम और किसी को करो, लेकिन उन्होंने माना नहीं, उन्हीं को ध्यान किया और मोक्ष प्राप्ति हुआ। क्या इस स्थल में हम लोग अगर आपका ये आदेश, कौन सा आदेश कि मेरा मेरा ध्यान मत करो, इसको अपमान करता हूं, क्या कर सकता हूं? परम दयाल जो इतना दिन छुप छुप के खुद को बचा के रखते थे, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। हल्का से बोले, हाँ इस जगह में, एक ही जगह में गुरु का आदेश अमान्य हो सकता है, तब हम लोग आज से ना आपका ध्यान करें। लेखक लिखते हैं, श्री ठाकुर जी चौंक गए, बैठे थे, खड़े हो गए। आप लोगों से तर्क से मैं नहीं नहीं सर, आप लोग जो मर्जी करें मुझे इसका मतलब नहीं, निकल गए। क्यों निकल गए? माता का आदेश, माता ने दीक्षा दिया है, माता ने बोला हुजूर महाराज जी का ध्यान करो। जिन लोगों ने ये सवाल उठाया उन लोगों को माता ने ही दीक्षा दिया। माता का कंसेंट के बिना कुछ नहीं होगा। ये बात आश्रम छोटा था, माता के कान में पहुंचा, स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उनका हुजूर महाराज ध्यान में कोई डिस्ट्रक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए वो समझ नहीं पाए। वो सबको बुलाया, क्या रे क्या सुन रहा हो तू लोग, क्या अनुकूल का ध्यान करेगा सुना? हाँ माता क्या करूं, जिनका भी ध्यान करने जाता हूं आपका लाडला आ जाता है सामने। हाँ ऐसा ठीक है कर ले। लेखक लिखते हैं उस किताब में, अनिया के साथ, अनिच्छा के साथ वो बोल के वहां से चले गए, कर ले। इसका मतलब ग्लैडली सेंक्शन नहीं दिया। ठाकुर जी के बाद ये बात भी पहुंचा। अब क्या करें? हमारे शैलेंद्र बोलते थे ना, पिताजी से मांगो, मांगना ठीक नहीं है, लेकिन क्या कर, हम बोलते हैं दया तुम्हारी सब मिला अंतर्जामी, तो भी दाता क्या मांगते हैं, दया करो दाता मेरे चित चरण में लागे, साधु संग मोहे देव नित्य परम गुरु दाता। मांगना तो है ही, अर्थ मानस नहीं मांगते हैं, लेकिन ये तो मांगना पड़ेगा। साधु संघ, ये सत्संग तो साधु संघ ही है, हमने मांग लिया करोना काल में, तभी हम इतना उज्जीवित है। लाखों लाखों लोग रोज ऑनलाइन में सत्संग में शामिल होते हैं, पुत्र परिवार के साथ भाव में उज्जीवित, वही तो मांगते हैं, साधु संघ मोहे देव नित्य परम गुरु दाता। साधु संघ कहाँ मिला है, सत्संग में मिलेगा। तो ठाकुर जी ने जब ये बात सुने, उन्होंने बोला चलो आज माता के वहां भोजन करने के लिए जाते हैं। माँ माँ ये 4-5 जन का आज दोपहर में भोजन खिलाते, तो कोई बात नहीं, सब बैठा। ठाकुर जी ने बोले तू निवेदन कर दे प्रभु को, गुरु को। नहीं नहीं मेरा उम्र हो गया, आप लोग अपना अपना करो। नहीं माँ आज तू सबके लिए कर लेना, कर ना माँ, कर कर लीलामय लीला कर रहे। माता तैयार हो गई, सब लेके ऐसे करके बीज मंत्र के साथ अपने गुरु हुजूर महाराज को निवेदन चालू किया। करते करते बोले क्या रे मेरा झूठा, तेरा झूठा मुझे खाना पड़ेगा? ठाकुर जी बोले क्या बोल रही है माँ? बोले रुक और एक बार मैं देखती हूँ। फिर दोबारा निवेदन किया, फिर बोला हाँ फिर तू आ गया, फिर खा गया। चुपचाप सबने भोजन लिया, माता भी
कुछ नहीं बोली। परम दयाल चुप, सब चुप। वही महेंद्र छना गया जब माता ने आदेश दिया, तुम लोग आज से अनुकूल क्या ध्यान करना। नाम नामी अवैध हो गया, और इसी भावना के साथ हम लोग जब नाम को शरण करते हैं, नाम को मनन करते हैं, नामी परम दयाल श्री अनुकूल हमारे मन में आते हैं, हमारे तन में आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, भक्ति पटल में आते हैं, और हम उज्जीवित होते हैं। तभी तो यही नाम निज नाम है, मन आपने धर ले। मैं आज प्रातः काल में परम दयाल परमेश्वर नामन नामी से यही प्रार्थना करता हूँ। हम वंश परंपरा में इस नाम से नामित होके चले, होके चले, होके चले, पूर्णता की तरफ चले, आचार्य परंपरा के साथ चले, इष्ट पथ पे चले, इष्ट चलन और चरण के साथ चले। आप लोग सुस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, भय मुक्त रहिएगा, रोग मुक्त रहिएगा, लेकिन बाबा जी जैसे बोले युक्त तो होना है किसे, इस पीरियड में सत्संग में अवश्य वर्चुअल। जय गुरु, जय गुरु दादा।